और सच में गुरु जी ने उसको, जैसे मेरा भाई पीता बहुत था, तो उसको कहते हैं विष की शिष्टी ना पिया कर, रम पिया कर। तो मेरा भाई बहुत खुश हो गया कि गुरु जी ने कहा रम पिया कर। और ऐसे फिर उसको एक उपाय बताया गुरु जी ने कि 21 हल्दी लेनी है, और 21 हल्दी में से हर रोज एक हल्दी लेके, आधी जो उल होती है साबुत पाउडर नहीं, हल्दी लेके आधी हल्दी रनिंग वाटर में डाल दी बहते पानी में, और बाकी आधा पीस अपनी पॉकेट में रख लेना बोले। और ऐसे 21 डेज तक आपको उपाय करना है, और 21 के बाद तक 21 पीसेस इकट्ठे हो जाएंगे हाफ, तो बोले मेरे पास लेके आना। तो वो गया था, जब 21 डेज हो गए तो मेरा भाई गया गुरु जी के पास। तो गुरु जी ने उसको बोला रेस्टोरेंट खोल। मेरा भाई कॉटन मिल में कॉन्ट्रैक्टर था, उसको रेस्टोरेंट बिजनेस आता नहीं था, तो उसको लग रहा है ये गुरु जी ने पता नहीं क्या कर दिया, ये तो काम मुझे आता नहीं, मैं कैसे करूंगा रेस्टोरेंट खोलूंगा। और वो अहमदाबाद जाके मेरी माँ के पास जाके उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, बोले मुझे तो ये गुरु जी ने ऐसा कहा है। और मेरी मेरी माँ हर लेडी अटैच होती है, बहनों के बीच में एक ही भाई है, तो मुझे मम्मी से रोज बात होती है। मम्मी कहती है वो तो कमरा बहुत ही अपसेट है, ना खाता है ना पीता है, और ऊपर बोलता है मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मुझे तो आता नहीं रेस्टोरेंट चलाना। तो फिर मैं गई, 8 दिन बाद ही मैं गुरु जी के पास जाने वाली थी। तो मैंने जाके गुरु जी से कहा गुरु जी वो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता, मैंने अपनी माँ से भी ऑर्डर ले रखी थी, तो मेरी मम्मी जो कहती थी जाके मैं गुरु जी को कहती थी। मैंने कहा मेरी मम्मी बोल रही है वो नहीं करेगा ये काम गुरु जी। तो फिर उन्होंने मुझे एक दूसरा, गुरु जी ने अपना दूसरा काम बताया उसको कि चलिए कर। अच्छा उसने वो काम किया, तो एक बारी उसने एक एनवेलप लेके आया, उसमें पैसे थे गुरु जी के लिए, तो उसने मुझे दिया और मुझे कहता है गुरु जी को दे दे। तो मैंने कहा आप दे दो, आपके पैसे हैं आप दो गुरु जी को। तो कहता है नहीं 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 तू दे। तो मैंने गुरु जी को एनवेलप दिया। देखो गुरु जी को पता था कि मेरे भाई के पास पैसे नहीं है वो, पर उसका दिल देखो वो फिर भी लेके आया उसके अपनी इनकम। तो गुरु जी ने लिफाफा टच करके बोला ये तू रख ले, मुझे कहा कि तू रख ले तेरा प्रसाद है, और वो एनवेलप मैंने रखी। गुरु जी कभी किसी से कुछ नहीं लेते थे। मैंने कहा कि मैंने कहा गुरु जी आप रख लो आपके लिए लाया है, इधर तेरा प्रसाद है तू रख ले। लेकिन गुरु जी ये जरूर एक्सपेक्ट करते थे कि आप शुक्राना जरूर करो गुरु जी को। जब उसका सब कुछ ठीक हो गया तो उसने कभी अपने फ्रेंड से पैसे लिए थे, जब उस क्राइसिस में था, अमृतसर में था उसका फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड की बेटी की शादी थी अमृतसर में, तो उसने सोचा मैं अमृतसर चला जाता हूँ और उसके पैसे भी दे दूंगा, उसकी बेटी की शादी है। उसने क्या किया अहमदाबाद से ट्रेन डायरेक्ट अमृतसर की ले ली, और दिल्ली बीच में है, दिल्ली नहीं आया। और मुझे नहीं पता था कि वो अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा है। उस दिन मैं गुरु जी के पास गई शाम को, मुझे कहते हैं जैसे मैं बैठी मुझे कहते तेरा भाई कहते हैं। मैंने कहा गुरु जी, मैंने फिर निकले मैंने भाई को पूछा था कि मैंने कहा कहाँ है, तो उसने कहा ऐसे ऐसे मैं अमृतसर जा रहा हूँ, तो नहीं आया मेरा भाई। देखो थैंक यू करने सब कुछ गुरु जी का दिया हुआ था फिर भी नहीं। और ऐसे मेरे ब्रदर इन लॉ डेथ बेड पे थे, राज के भाई, तो गुरु जी ने एक आशीर्वाद जाके, जैसे राज ने बोला कि मेरा भाई बहुत बीमार है, तो गुरु जी ने भाई एक चने का उपाय बताया था कि 5.25 किलो चने बहाने थे पानी में, वो करते ही वो एक हफ्ते में ठीक हो गए, वो भी दिल्ली से सीधा रुड़की चले गए, गुरु जी को मत्था टेकने भी नहीं आए। और देखिए पूरे लाइफ टाइम में गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाए। तो गुरु जी ने एक दिन अंकल को बोला कि तेरा भाई मुझे थैंक यू बोलने नहीं गया, और ऐसे ही मेरा भाई भी थैंक यू बोलने नहीं गया गुरु जी को। लेकिन देखिए आपको एक बताऊं कि गुरु जी की कृपा इतनी बरसती है, मेरा भाई जहां पे रहता है वहां पे बॉम्बे में जैसे स्लम्स थे ना, जैसे स्लम्स थे वहां पे एक लेक है कांकरिया लेक, मोदी जी ने वो लेक को ब्यूटीफाई कर दिया, सारे स्लम्स वहां से हट गए, और हमारे घर की प्राइस 10 टाइम्स हो गई उसकी। तो एयरटेल वालों ने उसको कांटेक्ट किया, हम यहाँ से एक वायर ले लें और हम वायर के मंथली 25,000 रुपीज आपको देंगे।
तो उसने कहा ठीक है। फिर पता है उसको जूस सेंटर वालों ने कि हम यहाँ जूस सेंटर खोल दें आपके घर के बाहर, हमारा मेन रोड पे घर है। ओके, उसको उसमें 20-25 हजार मिल जाते, ऐसे 5-6 स्टॉल वहीं पे खुल गए। जो आता था उसको मेरे भाई हाँ बोल देता था। अब घर बैठे उसकी इतनी बड़ी इनकम हो गई। फिर उसने देखा कि ये तो मुझे रेंट देते पर ये तो कितना सारा कमाते हैं। तो उसने एक एक करके जब स्टॉल चले गए तो उसने अपने स्टॉल लगाए। और अब वो इतना रिपेंड करता है कि काश मैंने गुरु जी की बात मान ली होती और रेस्टोरेंट खोल दिया होता तो आज खूब रेस्टोरेंट चल रहा होता। लेकिन अब उसकी ऐसी एज हो गई है कि अभी सेज में कोई जरूरत नहीं और कर भी नहीं सकता। अब वो रिपेंड करता है, बहुत रिपेंड करता है। ऐसे ही 2008 में मैं गुरु जी के पास बैठी थी, बड़े मंदिर में बैठी थी, बड़ी डिप्रेस थी क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था हमारी फैमिली में। तो एक अंकल आए जिनका मैंने सत्संग सुनाया बहुत प्लेटफॉर्म पे, लव यू वाला। वो सत्संग पूरा सुनाने के बाद उन्होंने मुझे, मैं सत्संग नहीं अभी रिपीट करूंगी, उन्होंने मुझे पेंडेंट दिया छोटा सा। तो मैंने अंकल से बोला अंकल मेरे लिए, कहते नहीं तुम्हारे भाई के लिए। और मैं 2 मिनट सोचने लगी कि ना इन्होंने मेरे बच्चों को दिया ना मेरे हस्बैंड को दिया, मेरे लिए भी नहीं मेरे भाई को दे रहे हैं। आफ्टर 15 डेज मुझे पता चला कि मेरे भाई को माउथ कैंसर हो गया। तो वो पेंडेंट मैंने भेज दिया, लेकिन कहते हैं ना कर्म तो काटने ही पड़ते हैं। वो पेंडेंट जब वो फर्स्ट टाइम एक्सरे या कुछ करा रहा था वो वहां खो गया, उसको मिला ही नहीं दोबारा। और उसकी सर्जरी हुई जब डॉक्टर्स ने बोला था फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, कैंसर निकला 4th स्टेज का। 12 घंटे की सर्जरी हुई और आज की डेट में भी वो बिल्कुल ठीक है। 15 साल हो गए, 2008 से था उसको। और 2016 में उसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसकी आईसेट चली गई। 6 महीने बाद आईसेट वापस आ गई। अभी जब मैं लास्ट मंथ इंडिया में थी उसको फिर से स्ट्रोक हुआ और उसका उसको आईसीयू में ले गए। और मेरे एक ब्रदर इन लॉ डॉक्टर है तो वो तब कश्मीर में थे। तो गुरु जी की कृपा से जब वो आईसीयू में था तो 5th डे जब मेरे ब्रदर इन लॉ वापस आए तो उन्होंने देखा कि इसके पैर सारा पैरामीटर तो ठीक है। बोले क्यों आईसीयू में रखा हुआ है इसको? और उन्होंने बोला अभी इसको डिस्चार्ज करो और घर भेजो। और 24 आवर्स में बिल्कुल ठीक हो गया, खाने पीने लगा। हॉस्पिटल्स में आजकल गुरु जी की कृपा चाहिए जाने के लिए, वरना हॉस्पिटल्स में ऐसे ही बिल बनते रहते हैं। उसको हाई डोजेस ऑफ मेडिसिन पे रख के वो ड्राउजी फील करता था तो ड्रिप चढ़ाने के ही, तो कुछ खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर इन्होंने उसको डिस्चार्ज करवा दिया और जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हुआ एकदम नॉर्मल हो गया। बहुत आपको पता है इसके ऐसे केसेस बहुत डेंजरस होते हैं, आदमी ठीक नहीं होता कभी भी। मेरे भैया जी को गुरु जी ने कहा था ना कि पूरी फैमिली ब्लेस होती है, लास्ट ईयर ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनका भी पूरी लेफ्ट साइड पे पैरालिटिक अटैक आया और वो लेफ्ट साइड नंब हुई, चल नहीं पा रहे। वो 1 साल में उनमें इतना इम्प्रूवमेंट है कि वो सहारे से अब चल लेते हैं। उनका जो केयर टेकर है वो उनके सारे उसके सारे चलने लगते हैं, 6 महीने बाद नॉर्मल चलने लगेंगे। तो गुरु जी की ब्लेसिंग पूरे फैमिली पे होती है। हम ये ना ध्यान करें कि वो गुरु जी के पास नहीं आया, वो नहीं आया। जो नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं, जब उसका टाइम होगा आ जाएगा। मेरी एक सिस्टर थी जो गुरु जी के पास जाती थी, लास्ट ईयर उसकी भी डेथ हो गई है। और वो गुरु जी के पास गई, उसके हस्बैंड कभी नहीं गए। उसकी डेथ के बाद नहीं, जब जूम सत्संग स्टार्ट हुआ 2 साल से हमारे लिए दी सारे सत्संग अटेंड करते हैं। वो इतने कनेक्टेड है गुरु जी से, तो कब कौन कनेक्ट होगा उसका टाइम गुरु जी डिसाइड करते हैं। और अब कोई सत्संग वो मिस नहीं करते जूम में, क्योंकि आजकल वो बैंगलोर में है। मेरी सिस्टर की भी लास्ट ईयर डेथ हुई है और इतनी पीसफुली हुई है ना, आधे घंटे तक पहले उसको पता नहीं था कि वो जा रही है। उसने सोचा बस मैं आधा घंटे लेटती हूँ, उसने यही बोला कि मैं आधा घंटा आराम करती हूँ फिर देखती हूँ। और आधे घंटे बाद पता चला नर्स ने मेडिसिन के लिए उठाया कि वो है ही नहीं। इतनी पीसफुली आप चले जाओ इस दुनिया से, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। और ना गुरु जी उसको कुछ बोलते थे ना वो किसी को बोलती थी, और वो भी सब भूल गई थी। एक बार जब मेरी मदर की डेथ हुई 2011 में,
तो जब वो मुझे मिली अहमदाबाद में, तो मुझे कहती है कि मैं ना एक गुरु ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो बाद में डिस्कनेक्ट हो गई गुरु जी से, 2007 के बाद डिस्कनेक्ट हो गई। उसके पास एक गुरु जी का स्वरूप था, तो उसने डिसाइड किया दिल्ली से ही कि मैं आपकी बार जाऊंगी तो कोई गुरु बना के आऊंगी, गुरु होना चाहिए। मेरी मदर वगैरह सब बोलते रहते थे कि गुरु होना चाहिए, तो कपड़े वपड़े सब दक्षिणा के लिए लेके गई थी। तो मुझे बता रही थी कि जैसे ही उसने उसने सोचा हमारे पंडित जी है ना फैमिली पंडित, उनको गुरु बनाएगी। तो जैसे ही उन्होंने, हमारे पंडित जी मॉडर्न पंडित है, पान खाते हुए आ रहे थे, उसी टाइम उसका माइंड चेंज हो गया कि ये पान खाते हुए आ रहे, मैं इनको अपना गुरु नहीं बना सकती। गुरु जी ने उसका माइंड चेंज कर दिया। तो और फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू क्यों गुरु बनाने गई थी, तेरे गुरु तो हैं। कहती मेरे कौन से गुरु हैं? मैंने कहा जो मेरे गुरु हैं। हाँ बोले सही कह रही तू एकदम। और वो 3 बजे उठ के प्रे करती थी अपने घर में, और 8 बजे तक घर में प्रे करती थी। 8 बजे के बाद वो एक शिव मंदिर में जाती थी, वहां पे जल वल चढ़ाने जाती थी। तो एक दिन उनको शिव मंदिर में जब वो जल चढ़ा रही थी, उनको गुरु जी का मंत्र सुनाई दिया। और उनको लगा कि उन्होंने ही मुझे बताया था कि देखो मुझे लगा कि मंत्र तो मैंने कहीं सुना हुआ है, कहीं सुना हुआ है। और वो पूरा टाइम सोचती रही कि मंत्र मैंने कहाँ सुना है। जब वो घर में अपने एंटर हुई, जैसे उन्होंने गुरु जी का स्वरूप देखा तो समझ गई कि इनका मंत्र है वो। तो मैंने कहा तेरे को समझ में आ गई ना, यही मंत्र का पाठ किया था। इसे हाँ। उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, बोली हाँ। तो देखो गुरु जी ने उनको बता दिया कि वही उनके गुरु है, नहीं तो इस जन्म में गुरु को एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ तो दूसरा गुरु ढूंढ रही थी। एक एक चीज का गुरु जी ध्यान लेते हैं, रखते हैं, एक एक चीज आपको समझाते हैं, हर चीज का गुरु जी ध्यान। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी छोटी वाली हमसे ज्यादा कनेक्टेड है, कम टाइम गई है हमसे गुरु जी के पास, लेकिन किसका कौन कौन सी क्लास में ये तो सब गुरु जी को पता है। हम उसने हमको गुरु जी तक पहुंचाया ना, उसको प्रॉब्लम होती और ना हम गुरु जी तक पहुंचते। और ये बहुत बड़ी कृपा हम पे गुरु जी की रही कि गुरु जी ने हमारी बेटी को ठीक नहीं किया। इसलिए अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो समझ लो गुरु जी कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं आपका, गुरु जी की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी आपके लिए। और ये फैक्ट है संगत जी, मैं बता रही हूँ कि अगर गुरु जी ने मेरी बेटी को ठीक किया होता तो आज हम गुरु जी से कनेक्टेड नहीं होते, आज नया सत्संग हो रहा होता। बहुत टाइम बाद कभी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती तो हम कहते हाँ वो गुरु जी से मिले थे, चलो उनको ढूंढते हैं। तो गुरु जी ने कितना हमारा ध्यान रखा, कितनी ब्लेसिंग्स है कि आज की डेट में जब हमें समझना शुरू किया, या हमारा टाइम अब था, ये सब तो गुरु जी को पता है। हर चीज में गुरु जी के सामने ब्लैंक हो जाती थी। गुरु जी के पास जाने के बाद गुरु जी लोग सबको कहते थे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ा करो। मैंने 2001 में जब मेरी बेटी अटलांटा गई थी पढ़ने, तब पढ़ी थी। एक बार मेरे को लैपटॉप पैसे फ्री मिल गई, फ्री ऑनलाइन थी उधर बुक, तो मैं भी टाइम पास करने के लिए पढ़ती रहती थी। उसके बाद मैंने सीरीज ऑफ बुक्स पढ़ी है, एक बार मुझे याद भी नहीं आया कि मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है। गुरु जी ने बहुत लोगों को दिखाया कि वो भगवान है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाया। शुरू में एक दो बारी गुरु जी ने ट्राई किया। मैंने एक ड्रीम देखा था जब मैं गुरु जी के पास गई कि बहुत बड़ा बेडरूम है, उसमें कुछ भी नहीं है, एक बेड है बस सेंटर में, और वो बेड पे मैं लेटी हुई हूँ। गुरु जी का मेरा कमरा बंद है, गुरु जी कमरा खुल के बाथरूम में गए और फिर बाथरूम में से फ्लश चलने की आवाज आई। ये ड्रीम सबसे अच्छा होता है, फ्लश चलाने की आवाज आई, इसका मतलब गुरु जी ने मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे सारे नेगेटिव कर्म खत्म कर दिए। पर मैं सोचती नहीं थी, सबसे कहते हैं ना श्रवण मनन और कीर्तन दोनों तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप गुरु जी जो कहते हैं, आप सत्संग जो सुनते भी हो, वो आपको सोचना चाहिए कि उसमें से मैसेज क्या है। अगर आप फॉलो करो तभी तो आपको है कि भैया, नहीं तो फिर सुना ना सुना सब बराबर हो जाता है। वो शायद मैं इसलिए बीमार हुई थी क्योंकि गुरु जी मुझे बार 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 समझा रहे थे पाठ किया कर, पाठ किया कर, पाठ किया कर। जब मैं गुरु जी पास जाती थी तो एक शब्द था, नाम बीज लो कर्म वाले हो आई रित बिजनी की। लेकिन
अब क्या होता था ना, हमारे पास सीडीज होती थी ना, कभी मिलती थी। मैं कभी गुरुद्वारे गई नहीं, मैं कभी ऐसे सीडीज खरीदने नहीं गई। तो वो एक शब्द जब प्ले हो रहा था तो बीच में एक लाइन आई थी, तो मुझे गुरु अच्छे अच्छा गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे थे, मैं यही खड़ी हुई उनके पास। सुन सुन, ध्यान से सुन, मुझे गुरु जी कह रहे हैं, ध्यान से सुन। और उसमें था, अपने बराबर रोज सोना भी दान कर ले, अपने वेट के इक्वल रोज आप गोल्ड भी दान कर लो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अमृत वेला। अमृत वेला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना। लेकिन हमारे गुरु जी ने, प्रैक्टिकल गुरु है इसलिए मना किया हुआ है, कि उन्होंने सबको नहीं बोला कि आप सुबह 3 बजे उठ के करो। अगर आप उस सुबह 3 बजे उठ भी रहे और नींद आ रही है, सो रहे हो और लेफ्ट राइट मूव कर रहे 10 बारी, इससे बेटर है कि जब आप अपनी नींद पूरी करके, जब आप आराम से बैठो गुरु जी के पास, गुरु जी में ध्यान आपका लग सके, वही आपके लिए अमृत वेला है। अमृत वेला उनको करना चाहिए जो टोटली फ्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो कर सके तो उनको करना चाहिए। जो लोग पाठ प्रेयर्स हमें बस शुरू से करनी चाहिए, अब जब हमसे कनेक्ट हो गए तो हमको रेगुलर प्रेयर करनी चाहिए। गुरु जी के पास एक लेडी आई थी 60+ या 80+ थी, और आके बोलती है, गुरु जी मेरे गोडे ठीक कर दो। तो गुरु जी ने कहा, तूने कभी पाठ किया? तो उसने कहा नहीं। कहते थे एक घर में, 1 साल घर में बैठ के पाठ करना, तेरे गोडे अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए हमें रेगुलर पाठ करना चाहिए। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की कि मैंने पाठ रेगुलर नहीं करती थी, क्योंकि जब सत्संग शुरू हो गया तो बस लगा सब कुछ हो गया, रिचुअलिस्टिक पूजा तो गुरु जी ने हमसे वैसे ही छुड़ा दी थी, तो मुझे लगता था पाठ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो सुबह 6 बजे उठ के पहले जब प्रे करती थी, लेकिन जब गुरु जी ने रिचुअलिस्टिक पूजा मेरी छुड़ा दी, उसके बाद मैं 9 बजे उठने लगी। मैंने कहा अब तो पूजा करनी नहीं, चलो छोड़ो सब कुछ। लेकिन मुझे लगा कि अब तो सब गुरु जी मिल गए तो सब कुछ हो गया। मुझे ये समझ ही नहीं आई कि अब तो जर्नी शुरू हुई है स्पिरिचुअल गुरु जी की, गुरु जी के साथ शुरू हुई है। अभी तो मेरी एडमिशन हुई है, ये मुझे बाद में समझ में आया। कहते हैं शिव जी की माया बहुत स्ट्रांग होती है। अब मुझे ये नहीं पता कि उनकी माया ने मुझे समझने नहीं दिया या मैं समझी नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं गुरु जी को फॉर ग्रांटेड लेती थी, हर बात में गुरु जी से बात कर लेती थी। गुरु जी ने जब मुझे ये भी 2007 में, तो गुरु जी मेरे से बहुत बातें करते थे, बहुत बातें करते थे। एक बार ये कह रहे थे कि मैं ना जोरबाग में जगह देख रहा हूँ, मैं जोरबाग में जगह देख रहा हूँ। हर रोज मैं जाती थी तो कहते थे फिर कदों आ रही है, फिर कदों आ रही है। तो मैं उनको बोलती थी 30 मई को, मेरी 30th मई की ऑलरेडी बुकिंग थी, रिटर्न थी 2007 में जब गुरु जी ने शरीर छोड़ा। तो रोज मुझे पूछते थे, बट देखो मेरे मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि गुरु जी आपको तो नहीं जाती, फॉर मेनी रीजंस नहीं निकला। गुरु जी दिल दिमाग हाथ सब खोल देते, और डर भी दुनिया का डर, हम क्या है दुनिया वालों से डरते हैं, आसपास के लोगों से डरते हैं, सब डर वर सब निकाल देते हैं गुरु जी। हमारा काम करना गुरु जी का काम है, हमारा काम सिर्फ गुरु जी की बात मानना है। तो मैं कभी कह नहीं पाई कि गुरु जी मैं नहीं चाहती। और यहाँ से एक लेडी गई थी, 27 मई को लास्ट सत्संग था, उसको गुरु जी ने कहा, वो त्यागी आंटी आ रही 30 तारीख को ना, उसको फोन कर लेना। तो जब मैं 31 को मुझे, मैं 30 को पहुंची, मुझे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। और उस दिन, उसी दिन आफ्टरनून में मैंने 2 व्हाइट, लाइफ में फर्स्ट टाइम 2 व्हाइट सूट खरीदे थे, क्योंकि मेरे फादर बहुत जल्दी चले गए थे। तो मेरी मदर ने हमें कहा था कि मेरी कोई लड़की मेरे सामने सफेद कपड़े नहीं पहनेगी। तो उस दिन पता नहीं क्यों, मैं रास्ते से जा रही थी, मुझे बुटीक दिख गया, मैंने ट्राई किए तो मुझे 2 मिल गए मेरी साइज के, तो मैंने खरीद लिए। और उसी दिन शाम को मैं फर्स्ट टाइम एक फुल व्हाइट सूट पहन के गई थी, और वहीं पर मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। और उसके नेक्स्ट डे, तब हम पूरी रात बड़े मंदिर में थे, करीब 300-400 लोग थे। तो नेक्स्ट डे मुझे उस लेडी का फोन आया कि मैं आपको इसलिए फोन कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे कहा था कि आगे आंटी को फोन कर लेना। तो मैंने कहा और क्या कहा था? बोले कुछ नहीं, उन्होंने यही कहा था कि त्यागी आंटी को फोन कर लेना। तो बाद में मैं बहुत टाइम सोचती थी कि जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये क्यों कहा त्यागी आंटी को फोन करती रहना। तो मुझे समझ में आ गई कि गुरु जी ये मुझे ये बता रहे थे कि मैं जाते जाते भी तुझे याद कर लूं।
मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि गुरु जी ने जाते जाते भी मुझे याद किया। बहुत बहुत कृपा रही है गुरु जी की। देखो मैं आपको एक बताऊं कि गुरु जी हर बात का जवाब देते हैं, हालांकि इसका कोई लिंक नहीं सब आगे पीछे हो रहा है, बट मुझे जो याद आ रहा है मैं आपको सुना रही हूँ। जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ, मुझे बहुत ही दुख होता था कि मैंने अपने बेचे बच्चे को कैसे संस्कार दिए जो उसने अपने हस्बैंड छोड़ दिया। क्योंकि पहले तो मुझे लगता था कि लड़के ने मेरी बेटी को छोड़ दिया, लेकिन बाद में मुझे कन्फर्म हो गया कि मेरी बेटी ने छोड़ा है उसको। तब मुझे लगता था बहुत ज्यादा। तो एक दिन मैं अहमदाबाद में थी, तो मेरे घर में 3 साधु आए थे फिर से। एक बार पहले भी आए थे, वो मार्च में आए थे, और ये बाद में आए थे करीब 2007 एंड में। तो वो आए सुबह सुबह 6 बजे, और मेरी भाभी आई बाहर और उसको निकाल, उनको 2 केले दे दिए। और फिर उन्होंने कहा कि 2 केले उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए। हमारे गुरु जी कहते थे प्रसाद जिसके हाथ में होता है उसी को खाना होता है सारा। तो मैंने कहा स्वामी जी प्रसाद मेरे लिए है सबके लिए? तो उन्होंने कहा सबके लिए। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस बोला, आपके संस्कार बहुत अच्छे। क्योंकि उस बात का मैं बहुत ही दुख मनाती थी कि कैसे संस्कार मैंने दिए। तो उन्होंने कहा तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे। ऐसे पहले भी एक बार आए थे, जब मेरी बेटी की शादी फिक्स हुई थी, एक बारी मैं अहमदाबाद गई थी, तो 3 साधु आए और वो 2 हेल्दी थे। हमारे वहां बाहर 2 चेयर्स पड़ी रहती थी, तो वो दोनों चेयर्स पे बैठ गए और एक स्लिम एंड टॉल गुरु जी के स्ट्रक्चर का साधु थे, और सर से पैर तक उन्होंने चोला पहना हुआ था, कुछ उनकी फिंगर नेल्स भी नहीं दिख रहे थे, पैर भी नहीं दिख रहे थे। और ऐसा साधु आज तक मैंने कभी देखा नहीं जो उसका सर से पैर तक कवर्ड हो। और वो ना, मैं उनके लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी थी और उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तीनों में से सिर्फ एक साधु बोले जो बैठे थे, और उन्होंने मुझे कहा गुस्सा मत करना। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, और जब तक आप में नेगेटिव क्वालिटीज रहेंगी, कोई भी नेगेटिव क्वालिटी रहेंगी, आपकी नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने एक ही सेंटेंस मुझे कहा गुस्सा मत करना। और जो मेरे सामने खड़े पीछे खड़े थे वो गुरु जी थे, क्योंकि गुरु जी बोलते तो मैं समझ जाती, स्ट्रक्चर तो नहीं का था। वो तो मुझे बाद में याद आया कि अरे ऐसा कैसे हो गया, और मैंने उनको जाते भी नहीं देखा बाद में। तो गुरु जी तो आज भी हमारा ध्यान रखते हैं, फिजिकल बॉडी से तो उनकी लिमिटेड थी एनर्जी, अब तो अनलिमिटेड है हर काम वो कर, ऐसा कुछ दुनिया में नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि गुरु जी ने मुझे कैसे न्यू लाइफ दी है, और न्यू लाइफ में भी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि अब पाठ करना है। बार बार गुरुजी बहुत टाइम तक मुझे रिमाइंड करा, तेरे पाठ किया कर, पाठ किया कर। और फाइनली गुस्सा भी, जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो मैं गुरुजी को माथा टेके बहुत प्रे करती थी कि गुरुजी मेरे से गुस्सा नहीं कंट्रोल होता, आ जाता है बस। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा गुस्सा खत्म हो गया, अब मुझे किसी बात से गुस्सा नहीं होता। ये सब गुरु जी की कृपा से, ऐसा नहीं कि मैंने कंट्रोल कर लिया कुछ कर लिया। तो धीरे आप गुरु जी को कोशिश करो, अगर आपसे नहीं हो रहा फिर गुरु जी तो कर ही देंगे, लेकिन आप कोशिश करोगे तो गुरु जी करेंगे ना। आप कोशिश नहीं करोगे तो गुरु जी क्या करेंगे, आप वहीं के वहीं रहोगे। हमारा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसी जन्म में अपना कल्याण करवा लें। कलयुग में आगे के जन्म बहुत मुश्किल है। गुरु जी हमेशा कहते थे ना मांगना नहीं आता, इस पे तो आपने बहुत सत्संग सुने होंगे, लेकिन आजकल जब भी मैं किसी से सुनती हूँ ना बोलते हैं हे भगवान गुरु जी जन्म जन्म तक आप हमारे साथ रहेंगे। आप कितने जन्म ही आना चाहते हो? किसी भी जन्म में एक हमारा कर्म आड़े आ गया तो हम कहाँ से कहाँ गिर जाएंगे आप? मैं तो कहती हूँ जितना मर्जी हमारे लाइफ में कष्ट हो, समझ लो गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं, और थैंक यू बोलो और यही जन्म में कल्याण हमारा हो जाए, ऐसा ही हमको प्रे करना चाहिए। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं आज्ञा लूंगी, सब आने वाला साल सबका फिर दिन रात सत्संग में बीते, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, हम ऐसे कर्म करते रहें, गुरु जी को प्रे करते रहें कि हर पल हमें गुरु जी नजर आए। और बस
हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में, जिससे कि वो ये ना कहे कि ओ ये देखो इनके गुरु ने ये सिखाया है। ये कभी नहीं होना चाहिए हमारे लिए, एक बार भी नहीं होना चाहिए कि हमारा बिहेवियर पार्टी में कुछ और है, सत्संग में कुछ और है। थॉट वर्ड डीड जब तक सेम नहीं होगा ना, तब तक ब्लेसिंग्स समझनी और थोड़ा मुश्किल होता है, तभी ब्लेसिंग्स आपको नजर आएंगी, नहीं तो आप जैसे थे वैसे के वैसे ही रहोगे सारे दिन। गुरु जी की कृपा हर टाइम बसा रही, इस साल की बरसती रहेगी सब पे। गुरु जी तो सबका कल्याण कर ही रहे, हम भी हमसे जो सके हम गुरु जी के लिए करें, पाठ करें, गुरु जी के लिए पाठ करें। ये भी देखिए मैंने कितने सालों बाद सीखा, उषा भाटिया ने एक बार कहा था कि गुरु जी कहते थे मेरे लिए तो कोई सोचता नहीं, मेरे लिए तो कोई पाठ करता नहीं। तो हमें गुरु जी के लिए पाठ करना चाहिए। हम गुरु जी तो एटर्नल है, हम रहे ना रहे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, तो इसलिए हम कितने साल रहेंगे ये भी नहीं पता किसी को। तो बेटर है हम पाठ गुरु जी के लिए करें। अगर हम गुरु जी के लिए करेंगे तो गुरु जी की कृपा तो वैसे ही हम पे बरस गई है, हमको अपने लिए करने की जरूरत ही नहीं है। यही ऑफर कर सकते हैं हम गुरु जी को, और क्या ऑफर कर सकते हैं, सब कुछ गुरु जी का है। हमने तो आजकल वो भी लगाना बंद कर दिया क्या, आज थोड़े गुरु होना जी, बिकॉज मुझे लगता है हम तो गुरु जी के घर में रह रहे हैं। हम चले भी गए इस दुनिया से तो ये घर तो यही रहने वाला है, गुरु जी भी यही रहने वाला है। हम कौन गुरु जी को गेस्ट बना देते हैं, हम खुद इस दुनिया में गेस्ट हैं। तो गुरु जी तो बस समझाना बड़ा मुश्किल है, गुरु जी के सत्संग में की है। जैसे जैसे टाइम जाता है ऐसे ऐसे तो समझ आती है, और गुरु जी को 0.050 लगा लो पॉइंट, उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आएगी, के बाद बाद लगाओगे तो भी समझ नहीं आएगी। हम अपने आसपास के लोगों को नहीं समझ सकते, भगवान को कैसे समझेंगे। इसलिए बिना दिमाग लगाए हमें सिर्फ प्रे करना चाहिए, बस इतना ही है। गुरु जी भी हमसे यही चाहते थे कि बिना दिमाग लगाए पाठ करना चाहिए, बस चलते फिरते उठते बैठते, टाइम है तो चल बैठ जाओ, नहीं टाइम है तो आराम से जब जितना टाइम है उतना करो। जब आपकी देखिए एक बार ही क्या हुआ कि मैं पहले रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी, मेरी एक नेबर थी तो वो मुझे हमेशा कहती थी तेरी पूजा, वो ना ताश बहुत खेलती थी, उनको बहुत शौकीन थी, तो वो चाहती थी कि मैं सुबह 9 बजे उनका हस्बैंड जाता है तो उनके साथ ताश खेलने बैठ जाऊं। तो मैं नहीं खेलती थी, तो बोलती थी ये तेरी पूजा करने की उम्र है, तो मैं बुढ़ापे में पूजा करना। और मैं उनको हमेशा कहती थी, मैंने कहा भाभी जी अगर ओल्ड एज नहीं आई तो क्या करोगे जवानी में मर गए तो। और देखो सच बता रही हूँ कि वो आंटी खुद यंग लाइफ में चली गई। इसलिए किसकी सांस है कितनी पता नहीं, हमारे पास जितनी भी, हम बस अब गुरु ध्यान गुरु जी में हमारा होना चाहिए। गुरु जी ने हमको इस लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, इससे बड़ी ब्लेसिंग ह्यूमन लाइफ में हो ही नहीं सकती कि हम गुरु जी के चरणों तक पहुंच गए। सब कुछ यहीं पे, सब कुछ यहीं पे मिलेगा हमको, कितनी देर से मिलेगा ये तो हम पे। इसलिए थैंक यू गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना कि मेरी इतनी गलतियों के बाद, जितनी गलतियां मैंने की उसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से दूर नहीं किया, अपने से जोड़ के रखा। ऐसे गुरु जी सबको जोड़ के रखते हैं। मैंने 20 साल वेस्ट किए, आप लोग मत वेस्ट करो टाइम, ध्यान हमेशा गुरु जी में होना चाहिए। पर बहुत बहुत शुक्राना सबको, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, सारी संगत को, सारे गुरु जी को, सबको नया साल बहुत मुबारक हो। और जितना ज्यादा हो सके हम सत्संग करें इस साल, सिमरन करें, सेवा करें। जय गुरु जी। Recording stopped. Thank you so much for such a wonderful satsang and for sharing so many of your blessings with us. बहुत मैसेजेस मिले हैं आंटी के हमने कैसे गुरुजी महाराज के लिए पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो हमें देते ही हैं। हम गुरुजी को पाठ करके थोड़ा उनका बोझ भी हल्का करना चाहिए हम लोगों को, तो ये सोच कर के वी आर डूइंग समथिंग फॉर गुरुजी, वी शुड डू इट। इनफैक्ट ये एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन होनी चाहिए कि सबको पाठ करना चाहिए गुरुजी महाराज के लिए। थैंक यू आंटी। गुरुजी की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। सारी संगत को नया वर्ष मंगलमय हो, नए साल में गुरुजी आपकी झोलियाँ भरे, आपके घर में खुशियाँ आए, सब
कार्य मंगल ही मंगल हो, रोजगार मिले, आप फले फूले आगे बढ़ें। इस न्यू ईयर में तेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद देंगे आपको। 2024 में तुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। यह सत्संग सुनिए और गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी। संगत जी, आगे का भी सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरा होने वाला है। आगे का सत्संग आपको आंटी जी सुनाने जा रही हैं, पूरा सत्संग ध्यान से जरूर सुने। जय गुरु जी। अपना हम मेरी फ्रेंड आ रही है, तो आप देखना, ये मतलब ऐसे अंदर से बहुत खुशी से हो रही थी कि काफी टाइम बाद अभी मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो गुरु जी ने जब उसके साथ डे स्पेंड कराया तो बहुत ही आनंद आया। तो बच्चे भी साथ थे, तो बच्चों ने भी जो है अपना जो भी डे टू डे हमारे सत्संग वगैरह जो होते थे शेयर कराए, और काफी अच्छा सा लगा। वैसे सत्संग शेयर करते करते टाइम गाड़ी में बैठे तो बहुत अच्छा सा लग रहा था उसको। बीच में मैं भी कर लेती थी, बीच में बच्चे भी कर लेते थे शेयर। तो वैसे तो गुरु जी से मैंने काफी उसको भेजती रहती थी, तो मतलब कभी गुरु जी का ऐसे नहीं हुआ था कि वो दर्शन ले सके या कुछ कर सके। वैसे शिव भक्त है बहुत, तो मैंने जो है ना उसको मैंने जो है गुरु जी का अपना वो पहन रखा था ब्रेसलेट, वो भी मैंने उसको दिया, उसने एक्सेप्ट किया। मैंने क्या देखती हूँ अगर अगर अच्छा लगेगा, क्योंकि सत्संग सुना रही थी तो उसको बहुत आनंद सा आ रहा था। फिर मैंने स्वरूप वगैरह भी दिए तो उसने एक्सेप्ट किए, फिर इसको मंदिर भी लेके गई तो उसको खूब आनंद आया। गुरु जी का जो है ब्लेस्ड प्रसाद भी खिलाया। ऐसे जो बैठे थे तो जब सत्संग शेयर कर रहे थे तो एकदम से ना मुझे ऐसे लगा, गाड़ी में थे हम लोग, तो लगा कि ना जैसे उसको नींद आ रही है, मेरे को पता नहीं मुझे क्या समझा। फिर बीच में मैंने शेयर किया तो कहता मम्मी आप पूरा तरह से नहीं समझाते हो, मैं बताता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा आप बताओ। तो वो भी बोली ना अच्छा मम्मी अच्छा बेटा तू सुना। उसने सुनाया, मैंने कहा था कि मुझे ना इतना मतलब मेरा ना डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा था गुरु जी से। मैंने कहा ओह मैंने समझा तुझे नींद आ रही है। तो कहती नहीं मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। तो बहुत 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 आनंद आया। मैंने कहा कि मैंने उसको ये बताया कि मैंने कहा नहीं सिडनी में भी मंदिर है, अगर तुम जाना चाहो तो वहां पे उसको। फिर मैंने एड्रेस बताया, सब बताया। मैंने कहा अगर जाओगे तो मैं भी एक दिन, अभी और थोड़ा दिन स्टे करेगी तो अभी कोशिश रहेगी तो मैं उसको और लेके जाऊंगी कभी। तो घर के अंदर भी जो है ना हमें जो है तितली आई हमारी घर में, व्हाइट कलर की, बहुत सुंदर सी जो घर में भी थे। तो हम लोगों को पता नहीं कैसे जैसे लगा, तो कहता है मम्मी एकदम से इधर आओ देखो तितली है। मैंने कहा मैं तो चाय बना ली थी, तो मैंने कहा अच्छा चल मैं बंद करके आती हूँ। तो देखा तो मैंने कहा चलो टच करो, तो ना सबने जैसे ना बिल्कुल उसने फोल्ड कर लिया था, तो हम सबने ना एक एक बार सबने टच किया। तो मैंने कहा देखो ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। उसके बाद जो है हमने सोचा कि अब जो है ना उसको ये अंदर नहीं बंद रखना। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश करी और ना उसको जो है बाहर जो है ना उड़ा दिया। तो इतना अच्छा अच्छा सा आनंद आया कि मतलब गुरु जी आए और उन्होंने सबको ब्लेसिंग्स भी दी। इसीलिए बहुत 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 अच्छा सा लगा। और आके मैंने यही कहा, मैंने कहा गुरु जी आपने मेरी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से डे स्पेंड कराया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। छोटे छोटे सत्संग जो होते हैं ना डेली के, बहुत अच्छे से आनंद देते हैं। तो बस 2023 में जो भी गुरु जी ने अच्छी खुशियां दी, सब कुछ दिया, बस सबके लिए जो है वो भी आगे जो है 2024 में सबके साथ जो है खुशियों पर 2024 आए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओवर टू एंड थैंक यू, शुक्राना गुरु जी। अपने मेरा वाला हाथ रखिएगा, हम सबका हाथ पकड़ के रखिएगा गुरु जी। जहाँ पे भूल चुक हो जाए, जहाँ पे हम गलत रास्ते पे जा रहे हो, हमारा मार्गदर्शन करेगा मालिक। हम बच्चे हैं गुरुपा आपके, नदान है, ना समझ है, बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां रोज की हम लोग करते हैं जाने अनजाने में। बस गुरुपा हमें उन गलतियों से बचा के रखिएगा मालिक, हमारी गलतियों को बख्शेगा गुरु जी, हमारे गुनाहों को बख्शेगा मालिक, जो हर पल हर सेकंड हमसे होते हैं बख्शेगा गुरु जी। बहुत गुरु जी आपके, कभी कभी हम लोग आपके दिए वचनों पे नहीं चल पाते मालिक। बस आपसे गुरु जी प्रार्थना है, हमेशा अपने चरण में लगा के रखिएगा हम सबको, अपने चरणों में जोड़ के रखिएगा, हमेशा अपनी भक्ति सेवा सिमरन का दान बख्शेगा मालिक।
सबका 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 कल्याण करना गुरु जी, छोटे छोटे बच्चों को ब्लेस करिएगा गुरु जी। बहुत ऐसे लोग हैं गुरु जी संसार में जिनका आपके अलावा कोई नहीं, बस गुरु जी उन सबको गुरु जी सबको खुशियाँ देना गुरु पा। जो परेशान है गुरु जी, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल्स में है, जो फिजिकली परेशान है, उन सबको ब्लेस करिए गुरु जी। सबका 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 कल्याण करना गुरु जी। हमारा गुरु परिवार हमेशा एक होके रहे, हमें कभी भी मालिक कभी भी अहम ना आए, हमेशा निवेदन से गुरु जी आपकी सेवा करें और हमेशा गुरु पा अपनी सेवा का अवसर दीजिए मालिक। हमेशा गुरु जी अपने चरणों में लगा के रखिएगा, कभी भी गुरु जी अपनी सेवा का सेवा से पीछे मत करिएगा, हमेशा हाथ पकड़ के रखिएगा मालिक। आपके अलावा कोई नहीं है हमारा, सबका 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 कल्याण करना गुरु जी, सबको ब्लेस करना गुरु जी, सबकी गृहस्थियां गुरु जी अच्छे से गुरु जी बना के रखिएगा। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अरदास सेवा देने का लख लख शुक्राना 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 गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सरबत दा भला, सबनों ब्लेस करना गुरु जी, सरबत सरबत दा भला करिएगा। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अरदास सेवा रखने में मालिक कोई भी भूल चुक हो गई हो क्षमा करिएगा गुरु जी, क्षमा करिएगा। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। बहुत गुरु जी आपने दिए, बहुत 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 मालिक आपने, बहुत गुरु जी दिए, जो नहीं भर भर के आपने दिए, इतना गुरु जी इतना इतना आप लोगों ने आपने हमें बख्शा है, अपनी संगत को इतना बख्शा है गुरु जी, उसके लिए लख लख शुक्राने। हर सांस के शुक्राने, हर श्वास के शुक्राने, हर सिमरन के शुक्राने, हर उस पल का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना, हर सांस से गुरु जी, एक एक सांस आपकी दी हुई है गुरु पा, लख लख शुक्राने गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राने गुरु जी, लख लख शुक्राने हम सबकी जूलियां भरने का, लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राने गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी फॉर अदास। गुरु जी आपके अदास कबूल करे, सेवत के भले की। कल की अदास सेवा मोना आंटी आपकी है। जय गुरु जी, प्लीज कंफर्म कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी का भला, सरबत का भला हो महाराज, सारी सृष्टि का कल्याण हो महाराज, सबके घरों में सुख शांति बरकत हो गुरु जी महाराज। हमेशा सच्चे सुच्चे मन से आपके सत्संग सेवा सिमरन में लगे रहे गुरु जी महाराज, और हम में मैं ना गुरु जी। गुरु जी ऐसी कृपा ऐसी मेहर करना कि हम वही बोले जो आप बुलवाना चाहते हैं, वही सुने जो आप सुनवाना चाहते हैं, वही जाए जो आप लेके जाना चाहते हैं, हम वही करें महाराज जो आप करवाना चाहते हैं, हम उसी से मिले जिससे आप मिलवाना चाहते हैं महाराज। ऐसी सद्बुद्धि ऐसी मार्गदर्शन दीजिए गुरु जी कि अच्छे कार्य करें, नेक इंसान बने, नेक राह पे चले गुरु जी। बच्चों को ब्लेस करें, सद्बुद्धि दे। घर घर में डिप्रेशन, तरह तरह के रोग, तरह तरह के कष्ट क्लेश आ रहे हैं गुरु जी, आप उनको दूर करें महाराज, ब्लेस करें सबको। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, बारम्बार ओम ओम से आपके शुक्राने गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी, संगत जी आपने सुना आंटी जी ने कैसे अरदास किया। आपको भी नए साल में जब भी समय मिले तो सेवा करिए, जो गरीब हैं उनका भी तन मन धन से सेवा करिए। गुरु ने आपको इस लायक बनाया है कि आप सेवा कर सकते हैं, और जब भी समय मिले तो गुरु जी का सत्संग सेवा सिमरन करें, भक्ति कीजिए, गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी मानव रूप में हमारा कल्याण करने के लिए तो आए हैं, और गुरु जी कहते हैं कि निंदा चुगली मत करो, हमें भी नए साल में इन सब चीज़ों को त्यागना होगा। जय गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, यह गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। संगत जी गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, गुरु जी की जब भी वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मैं जुगनू प्रसाद, वॉइस ओवर अंकल जी, आंटी जी, अब मैं दूसरे वीडियो में आपको मिलता हूँ गुरु जी का लेके। तब तक के लिए जय गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर 2024, सबके घर में खुशियाँ आए, सबका मंगल हो। जय गुरु जी।